नमस्कार निर्माण इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इतिहास में आज हम चर्चा करने वाले हैं 25 अक्टूबर के इतिहास की। 25 अक्टूबर का जो इतिहास है यह भारत के लोकतंत्र की यात्रा का शुभारंभ है। आप सभी अगर जानते होंगे तो शायद इस घटना से बहुत कम ही परिचित होंगे कि कैसे 25 अक्टूबर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक स्वर्णिम अवसर या स्वर्णिम दिन गिना जाता है। दरअसल 25 अक्टूबर 1951 इसी तिथि को भारत में पहली बार लोकसभा चुनावों की शुरुआत हुई थी। और इस लोकसभा चुनाव में अब सोचिए भारत जो कि तुरंत तुरंत आजाद हुआ है, हाल ही में आजाद हुआ है, कैसे अपने पूरे देश भर में इतनी विशाल जनसंख्या को, दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई एग्जांपल नहीं था कि इतनी विशाल जनसंख्या को लेकर के कोई एक देश ने लोकसभा या कोई आम चुनाव संपादित करवाए हो। ऐसे में भारत ने पहली बार इस विशाल जनसंख्या के साथ अपने आम चुनावों को संपादित किया। यहां लोकतांत्रिक पार्टियों, बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक पार्टियों ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। कैसे कैसे चुनाव संपन्न हुए, उनका परफॉर्मेंस कैसा था और उस लोकसभा चुनाव से भारत ने क्या सीखा, ये सब बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं। ये जब आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें यहां से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रथम आम चुनाव ने भारत के लोकतंत्र को किस हद तक एक दिशा दे दी। साथ ही जब आप भारत के राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, या पेपर टू में भी कभी कभी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम लोकसभा चुनाव और भारत के वर्तमान लोकतांत्रिक संरचना में जो एक यात्रा है या फिर जो एक अंतर है वह स्पष्ट करें। प्रथम लोकसभा चुनाव में और आज के लोकसभा चुनाव में कितना अंतर है, कितना मुश्किल था, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए उसकी एक झलकी के साथ शुरुआत करते हैं। 25 अक्टूबर को पहली बार आम चुनाव संपन्न हुआ और इसको संपन्न कराने के लिए भारतीय संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 दो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया ताकि भारत में चुनाव कराने की प्रक्रिया को विस्तार के साथ स्थापित कर दिया जाए। ठीक है, अगर हम घटनाओं की बात करें तो सबसे पहले चुनाव आयोग की स्थापना करानी थी। चुनाव आयोग की स्थापना करवाई गई, चूंकि चुनाव आयोग के बारे में संविधान में प्रावधान थे, उस प्रावधान के अनुसार चुनाव आयोग की स्थापना हो गई और 25 अक्टूबर 1951 को यहां से लेकर के 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक इतने समय तक भारत में लोकसभा के चुनाव और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव एक साथ उस समय संपादित होते थे। तो लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ संपादित किए गए और यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि आजाद भारत के बहुत जल्दी ही संविधान लागू होने के तुरंत बाद भारत में लोकसभा चुनाव संपादित हो रहे थे। और सुकुमार सेन जो कि एक आईएएस अधिकारी थे, आईसीएस उस समय कहा जाता था, ये आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त घोषित किया गया और भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी इनको सौंप दी गई, सुकुमार सेन को। इनको ऐसा करने के लिए चुनाव, जब सुकुमार सेन को चुनाव आयुक्त तो बनाया जा रहा था तो उसके एक महीना पहले ही एक प्रोविजन करके संविधान में एक संशोधन करके संविधान में भारतीय संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया संविधान के प्रावधानों के अनुसार। और इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में ही प्रत्येक राज्य के लिए संसद के सदस्यों और विधानमंडल के सदनों के लिए चुनाव के संचालन की प्रक्रिया का पूरा विशेष वर्णन कर दिया गया। तो इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार ही आज भी भारत में चुनाव संपादित किए जाते हैं। चलिए भाई ठीक है, ये तो एक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। अब लोकसभा सीटों पर मतदान कैसे हुए, तो उस समय भारत में 499 सीटें थी जिसमें से 499 में से 489 सीटों पर मतदान हुआ। तो इसके लिए बहुमत के लिए कुल 245 सीटों की जरूरत थी। अगर प्रश्न प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि प्रथम लोकसभा चुनाव में बहुमत के लिए कितनी सीटें आवश्यक थी, तो यह उत्तर आप लोगों का हो सकता है कि 245, उस समय 489 सीटों पर मतदान हुआ था
और टोटल लोकसभा में 499 सीटें थी, जिसमें कुछ सीटें जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था उसके लिए रिजर्व कर दी गई थी। टोटल पहले इलेक्शन में लगभग 1949 उम्मीदवारों ने लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ा और देश की उस समय जो जनसंख्या थी लगभग 360 मिलियन थी, 360 मिलियन में से 173 मिलियन से अधिक लोग, चूंकि उस समय जो इलेक्शन की आयु थी चुनाव में वोट देने की जो आयु थी उसे 21 वर्ष किया गया था, तो इसीलिए पहले चुनाव में भारत के 173 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया और उस समय यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बन गया। पूरे विश्व में इससे बड़ा चुनाव कहीं भी संपादित नहीं हुआ था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि एक ऐसा देश जो कि हाल ही में एक गुलामी से आजाद हुआ है, साम्राज्यवाद से मुक्त हुआ है और गरीबी की पराकाष्ठा पर है, ऐसे में ही यातायात और संचार की सीमाएं भी हैं, यातायात और संचार के साधन भी विकसित नहीं है, उसके बावजूद त्रिपुरा और मिजोरम के घने जंगलों से लेकर के अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर की ऊंचाई तक और कन्याकुमारी गुजरात, पूरे भारत में एक साथ चुनाव संपादित करना यह बहुत ही कठिन काम होता था। उस पहले इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंट था वह था 45.7%, इसका मतलब लगभग 46% का मतदान हुआ। उस समय 46% का मतदान होना यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज की तरह मतदाता अवेयर नहीं है, साथ ही आज की तरह यातायात तो संचार के साधन भी नहीं थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें चुनाव के बारे में पता नहीं था कि चुनाव क्या होता है, क्योंकि उन तक चुनाव कभी पहुंचा ही नहीं था। ब्रिटिश काल में बहुत लिमिटेड चुनाव होते थे, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में चुनाव का कोई अनुभव नहीं था। उस क्षेत्र में भी गांव गांव तक चुनाव हुए, गांव गांव तक इलेक्शन के कर्मचारी पहुंचे और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास था। अगर 1991 की जनगणना की हम बात करें तो हमने अभी बात करी कि 360 मिलियन लगभग जनसंख्या थी, इसका मतलब कि यह जनसंख्या का डेटा है जिसमें कि इतना टोटल पंजीकृत मतदाता थे, मतलब 173 मिलियन लोग ये वोट दे रहे थे। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए मतदान करने को योग्य बना दिया गया था और इसके बाद लगभग 68 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। आज सोचिए, आज लोकसभा चुनाव अगर संपन्न कराना होता है तो 7 चरण 8 चरण 10 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाते हैं, कहीं कभी उससे भी कम हो जाते हैं, कभी कभी 6 और 5 चरण में भी लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाते हैं। लेकिन पहली लोकसभा की जो चुनाव हुई थी वह 68 चरणों में संपादित हुई थी। 68 चरण में लोकसभा चुनाव, 68 दिन लगातार अलग अलग क्षेत्रों में कहीं अलग अलग दिन चुनाव हुए, 68 दिन लगातार चुनाव की प्रक्रिया चलती रही। अपने आप में यह भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। टोटल लगभग 2 लाख के आसपास मतदान केंद्र बनाए गए और जिसमें से 27,527 बूथ सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए ताकि महिलाएं भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। जब इलेक्शन शुरू हुआ तो उस समय हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर इस क्षेत्र में पूरा मतदान नहीं कराया जा सका क्योंकि जाड़े का मौसम आ गया और वहां पर बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई, तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में मतदान फरवरी मार्च में, मतलब जो अक्टूबर में मतदान शुरू हुआ था उस समय नहीं होकर के उसके कुछ समय बाद 1952 में संपन्न हुआ। और यह भी ध्यान रखना है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुआ, हिमाचल, हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि पहला वोट जो पड़ा था भारत में वो पहला वोट हिमाचल प्रदेश से ही पड़ा था, पहला वोट हिमाचल प्रदेश से ही पड़ा था, वो चीनी तहसील, एक जिला है चीनी जिला, वहां पहला वोट भारत का लोकसभा का पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद उस कुछ समय के लिए फिर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हुई तो वहां वोटिंग रोक दी गई और जम्मू एंड कश्मीर में 1967 तक कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर पूरा नहीं बल्कि कश्मीर घाटी में लोकसभा सीटों के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था 1967 तक। 1967 में जाकर के पहली बार कश्मीर घाटी में लोकसभा का चुनाव संपादित हुआ था।
तो इस तरीके से लोकसभा चुनाव लगातार चलता रहा। उस समय भारत के 25 राज्य थे जिसे कि टोटल 25 भारतीय राज्यों को 401 निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित कर दिया गया था। अब यह ध्यान ये रखना है कि निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि आज जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट होती है उतना ही लगभग निर्वाचन क्षेत्र होता है, लेकिन उस समय जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट थी उससे ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे। और इसका कारण क्या था कि उस समय एक क्षेत्र में कहीं कहीं पर जैसे 86 निर्वाचन क्षेत्र में 2 सदस्य चुने गए। हम सभी जानते हैं कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जो जहां पर जनरल और एससी दो दो उम्मीदवार एक साथ इलेक्शन लड़ सकते थे और दोनों के लिए अलग प्रोविजंस थे, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो सकते थे। कहीं पर शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व था तो उसके साथ जनरल के लिए भी वहां पर क्षेत्र था और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से सीट था, तो एक ही क्षेत्र के मतदाता दो दो लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए वोट कर देते थे। ध्यान रखना है कि 3 निर्वाचित प्रतिनिधियों वाला भी एक निर्वाचन क्षेत्र था। एक निर्वाचन क्षेत्र ऐसा था जहां से कि 3-3 उम्मीदवार विजयी हुए, एक जो कि जनरल से था, दूसरा जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए था और तीसरा जो कि महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया था। तो 3-3 उम्मीदवार एक ही जगह से इलेक्टेड हुए, ऐसा भी एक प्रोविजन वहां पर था, एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र था। हालांकि ये जब जो प्रक्रिया थी ये 1960 के दशक में बाद में इसको हटा दिया गया और फिर एक क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार के विजयी होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। तो 1960 तक लगभग यह प्रक्रिया चलती रही। और अगर हम टोटल इलेक्शन में पार्टियों की बात करें तो लगभग 53 पार्टियों ने पहली लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। इस 53 पार्टियों के साथ साथ 533 निर्दलीय उम्मीदवार टोटल 489 सीटों पर लड़े। इनमें से 14 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां थी। टोटल जो कि 53 पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा उसमें से 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी, बाकी राज्य स्तर की पार्टियां थी। ध्यान ये रखना है कि पहले इलेक्शन में ही भारत के 47 निर्दलीय प्रत्याशी जीत करके लोकसभा के सदस्य बने थे। सोचिए कांग्रेस की उस समय की इतनी पकड़ होने के बावजूद 47 लोग जिनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट छवि थी वो निर्दलीय चुनाव लड़ने में और उसको जीतने में सफल हो गए। इसके साथ साथ 10 स्थानों पर भारत में निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ, मतलब वहां पर सिर्फ एक ही प्रत्याशी खड़ा हुआ, दूसरा कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हुआ, तो जो प्रत्याशी खड़ा हुआ उसको विजयी घोषित कर दिया गया। तो पहले इलेक्शन में 10 स्थानों पर ऐसा हुआ कि कोई भी दूसरा प्रत्याशी इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, पहले इलेक्शन में अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए इससे पहले जो अंतरिम सरकार स्वतंत्र भारत की सरकार बनी थी उसके कुछ मंत्रियों ने भी त्याग पत्र दे करके चुनाव लड़ा, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने पहले इलेक्शन में लड़ने के लिए 1951 में एक राजनीतिक पार्टी बनाई जनसंघ और उसके साथ जनसंघ के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। फिर बाद में कानून मंत्री जो हमारे थे बी आर अम्बेडकर सर, वो भी इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई और उसके आधार पर उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। बाद में इन्होंने अपने पार्टी का नाम चेंज करके रिपब्लिकन पार्टी का नाम रख दिया था। जो कांग्रेस पार्टी के उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे करके और नेहरू से मतभेद के कारण अपने पद से इस्तीफा दे करके अलग से इलेक्शन लड़ने का प्रयास किया। तो इस तरीके से सरकार के सदस्य भी सरकार से त्याग पत्र देकर के पहले इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इनमें से कुछ और भी दल थे जिसमें कि किसान मजदूर प्रजा परिषद, इसके जो आचार्य कृपलानी जो थे इन्होंने भी एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी किसान मजदूर प्रजा परिषद। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने मिलकर के कांग्रेस से अलग हट करके राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और इलेक्शन में अपनी पार्टी का पार्टिसिपेशन करवाया। फिर बाद में भारतीय और उनके साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी अलग से थी ही। ये सभी पार्टियां कुछ प्रमुख पार्टियां थी जो कि इलेक्शन में पहले इलेक्शन में चुनाव लड़ने में सफल हुई। हालांकि इनका जो परफॉर्मेंस था यह उतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि उस समय कांग्रेस का एकमात्र प्रभुत्व जैसी स्थिति थी, स्वतंत्रता संग्राम का एक इतिहास था,
इसीलिए लोगों का कांग्रेस से जुड़ाव था। तो कांग्रेस से हट करके ये राजनीतिक दल के जो नेता थे ये व्यक्तिगत स्तर पर जरूर प्रमुख थे, इनकी प्रतिष्ठा भी थी, लेकिन राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस को चुनौती देने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका उस समय सिद्ध नहीं हो पाई। जब पहली बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने बॉम्बे वहां जो SC के लिए सीट रिजर्व किया गया था, SC कम्युनिटी के लिए जो सीट रिजर्व थी वहां से बॉम्बे से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन अनुसूचित जाति महासंघ के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कांग्रेस के एक उम्मीदवार नारायण सदोबा काजरोलकर, जो कि एक बहुत ही छोटे स्तर के नेता थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कद के नेता नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारी मतों से हरा दिया। और इसका एकमात्र कारण था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कांग्रेस से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे और उस समय कांग्रेस का इतना प्रभुत्व था, कांग्रेस का इतना रिस्पेक्ट था कि कांग्रेस के नाम पर उस समय जो भी खड़ा होता था उम्मीदवार लगभग उसकी जीत तय मानी जाती थी। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट था वहां से भी बॉम्बे से वे कांग्रेस के एक छोटे उम्मीदवार से भी पराजित हो गए। इसके बाद फिर डॉक्टर अंबेडकर को बाद में कांग्रेस पार्टी ने ही राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में बुलाया और उसके बाद भारत को फिर से कानून मंत्री बनाया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर इससे भी खुश नहीं थे, वे चाहते थे कि वो इलेक्शन लड़ करके जीत करके लोकसभा चुनाव में जीत करके फिर लोकसभा में आए। तो इसीलिए बाद में उन्होंने 1954 में भंडारा में एक और उपचुनाव हुआ उसमें भी इन्होंने अपने आप को एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहां भी कांग्रेस के बोरकर से चुनाव हार गए। मतलब वहां भी कांग्रेस पार्टी के एक और छोटे कद के नेता से वो इलेक्शन हार गए। तो दो दो बार लोकसभा में ट्राई करने के बाद बी आर अम्बेडकर समझ गए कि वो राजनीतिक पार्टी में एक विद्वान के तौर पर शामिल हो सकते हैं, एक विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो जननेता के तौर पर किसी क्षेत्र से लोकसभा इलेक्शन इंडिपेंडेंट जीतने में अभी सक्षम नहीं है। फिर उन्होंने इसका प्रयास नहीं किया और उसके बाद फिर वो कांग्रेस के सहयोग से ही केंद्र में मंत्री बने रहे, भारत के विधि मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखा। उसी तरीके से आचार्य कृपलानी एक बहुत बड़े नेता थे, ये फैजाबाद से इलेक्शन लड़ रहे थे लेकिन फैजाबाद से ये हार गए। इतना बड़ा नेता थे कि एक बहुत बड़े कद के राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते थे, ये भी हार गए। हालांकि उनकी जो पत्नी थी सुचेता कृपलानी, ये दिल्ली से इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मनमोहिनी सहगल को हरा दिया। तो इनकी वाइफ जो थी सुचेता कृपलानी ये लोकसभा इलेक्शन जीतने में सफल हुई, लेकिन आचार्य कृपलानी पहले लोकसभा चुनाव जीतने में सफल नहीं हो सके। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ही तरह आचार्य कृपलानी भी पहले लोकसभा चुनाव में पराजित हो गए। जो 25 अक्टूबर 1951 को पहला जो वोट पड़ा था हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में, उसके साथ भारत में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई और कांग्रेस ने पहले इलेक्शन में 364 सीटें जीत करके, ये प्रचंड बहुमत था, 364 सीटें जीत ली। सोचिए उस समय कितना बड़ा ये प्रभाव रहा होगा। और जो दूसरे स्तर की पार्टी थी, दूसरी सबसे बड़ी कांग्रेस, जो कि अकेले 364 सीट जीत चुकी थी, और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वह थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और ये मात्र 16 सीट जीत पाई थी। सोचिए पहली पार्टी 364 सीट और दूसरी पार्टी 16 सीट, मतलब पहली और दूसरी का अंतर सोचिए कितना था। ये कहा जाए कि उस समय सिर्फ कांग्रेस ही भारत था और भारत ही कांग्रेस था, दूसरा कोई था ही नहीं। ये दूसरी पार्टी सिर्फ 16 सीट जीत पाई। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण की जो जयप्रकाश नारायण और लोहिया की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने भी 12 सीटें जीती। आचार्य कृपलानी की जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी वह भी 9 सीट जीत पाई। हिंदू महासभा उस समय 4 सीट जीत पाई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में जो जनसंघ था, जनसंघ को भी पहली बार 3 सीटें मिली। जो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी थी उसको भी 3,
और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 2 सीटें मिली। मतलब डॉक्टर अंबेडकर की जो पार्टी थी वह पहले इलेक्शन में 2 सीट जीतने में कामयाब रही, हालांकि डॉक्टर अंबेडकर अपनी सीट से चुनाव जीतने में असफल रहे। ठीक है, अब ये सभी जानते हैं कि उस समय विपक्षी पार्टियों के लिए अवसर भी बहुत कम था, क्योंकि उस समय सिर्फ कांग्रेस ही माना जाता था कि भारत के लिए अगर कोई है तो कांग्रेस है, और उसमें जवाहरलाल नेहरू जी का एक अपना रुतबा भी था, साथ ही कांग्रेस का एक इतिहास था। तो इसलिए बाकी की जो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही थी उनके लिए विजय होने की, जीतने की संभावना बहुत ही लिमिटेड थी, लेकिन फिर भी यह एक सफल लोकतांत्रिक शुरुआत थी कि भारत में पक्ष और विपक्ष के एक साथ चुनाव हो रहे थे और दोनों ने अच्छा संघर्ष किया। हालांकि कांग्रेस का वो दौर था तो कांग्रेस पूर्ण रूप से जीतने में सफल रही। अब यह ध्यान रखना है कि विपक्ष की जो पार्टियां थी पहले इलेक्शन में, ध्यान रखिएगा इस बात को कि पहले इलेक्शन में जो विपक्षी पार्टियां थी वो नंबर ऑफ सीटें भले कम जीत पाई हो, लेकिन उन्होंने लगभग भारत के 31% वोट पाने में सफलता प्राप्त की। आजादी के तुरंत बाद उस समय लोग भारत के नाम पर कांग्रेस को ही जानते थे, दूसरे किसी पार्टी के बारे में लोग जानते तक नहीं थे, और उस दौर में 30% से अधिक इलेक्शन अपने फेवर में कर लेना, 30% से अधिक मतदान अपने फेवर में कर लेना, यह भी विपक्ष की एक उपलब्धि मानी जाएगी। जब पहला इलेक्शन हो रहा था तो भाई उस समय आज की तरह ईवीएम वाला कंसेप्ट नहीं था, तो हर जगह त्रिपुरा मिजोरम से लेकर के कश्मीर लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक लोहे की मत पेटियां बनाई गई, तो लगभग 2,12,00,000 मत पेटियां बनवाई गई इलेक्शन संपादित करने के लिए, और करीब 62 करोड़ मतपत्र छपवाए गए। 62 करोड़ पेपर से मतपत्र छपवाए गए ताकि इलेक्शन में जो मतदाता है वो वोट दे करके अपना इलेक्शन इस 2,12,00,000 मत पेटियों में संपादित कर सके। अब मतदान केंद्रों तक पहुंचना इतना मुश्किल था कि पहाड़, जंगल, मैदान इलाके, नदी नाले, इनको पार करते हुए जहां सरकार तक नहीं पहुंच पाई थी वहां पहली बार इलेक्शन कमीशन पहुंच रहा था। सोचिए, जहां सरकारी मशीनरी नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों तक नहीं पहुंच पाई थी वहां पर भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गया, और इलेक्शन कमीशन ने उस वहां तक पहुंचने के लिए एक दिमाग लगाया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के दूर के जो जनजातियां थी या भारत के मुख्य भूमि की भी जो दूर दूर की जनजातियां थी, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जंगलों में, झारखंड के जंगलों में, तो यहां पर जनजातियों को इलेक्शन के बारे में जानकारी नहीं थी, बहुत कम जानकारी थी, तो वहां पर भी इलेक्शन कमीशन के लोग वहां पहुंचे, लोगों को बताया, पहले उनको ट्रेनिंग दिया गया कि वोटिंग क्यों करना है, कैसे वोटिंग करना है, वोटिंग किसके लिए करना है, ये सब चीजें बताई गई, और फिर उनसे वोटिंग करवाए गए। तो उन जनजातियों को इलेक्शन से मतलब नहीं था, तो उनको वोट देने को प्रेरित करने के लिए इन मशीनरियों ने बार बार ऐसे ऐसे ऑफर दिए, जैसे कि अगर आप इलेक्शन में वोट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कंबल बांटे जाएंगे। जो नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में जो जनजातियां रहती थी उनको आर्म्स लाइसेंस, हथियार के लाइसेंस और कंबल देने का वादा किया गया कि आप लोग वोट कीजिए, आपके क्षेत्र में हम कुछ लोगों को लाइसेंस देंगे और साथ ही आपके क्षेत्र में कंबल बांटा जाएगा। तो उनके क्षेत्र में कंबल भी बांटा गया, तब जाकर के उन जनजातियों से भी इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करवाया गया। अब सोचिए, उन घने जंगलों में जब वो जाते थे जनजातियों के बीच में, तो बहुत सारी आक्रामक जनजातियां होती थी जो कि उन्हें देखते ही तीर भाले बरसे से उन पर हमला कर देती थी। बहुत कार्यकर्ता इसी दौरान मृत्यु को भी प्राप्त हो गए, कुछ को लूट लिया गया, कई लोग बीमार पड़ गए। तो इस भयानक संकट और इस जंग की एक स्थिति थी, एक बड़ा कठिन क्षण था। उस कठिन क्षण में भी चुनाव आयोग ने एक महान भूमिका निभाते हुए भारत के घने जंगलों में जाकर के चुनाव संपादित करवाया। ये जो पूर्वोत्तर में म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र थे, तो वहां के जनजातियों को यह कहा गया कि अगर आप इलेक्शन में मदद करते हैं और वोट देते हैं तो आपको एक एक कंबल और बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। इस तरीके से
तिकड़म लगा करके जनजातियों को समझा करके किसी तरीके से वहां चुनाव आयोग पहुंचा और वहां चुनाव संपन्न कराया गया। सोचिए, चुनाव आयोग ने एक तरीके से जनजातियों को भारत से जोड़ दिया। सरकार उन जनजातियों तक कभी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन सरकार की एक संस्था के तौर पर जब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी आई तो चुनाव आयोग वहां पहुंच गया। उस समय हमारे जो सुकुमार सेन थे मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी भूमिका को अगर देखा जाए तो यह कहा जाना कि भारत में लोकतंत्र की जो रीढ़ है उसको स्थापित करने में सुकुमार सेन की बहुत बड़ी भूमिका रही। अगर ये पहले इलेक्शन में भारत में इतने बड़े स्तर पर व्यापक क्षेत्रों में पहुंच करके और चुनाव नहीं संपादित करवाया होता तो शायद भारत को शेष भाग जो भारत के दूर के इलाके हैं उनको इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना बाद में भी बहुत कठिन हुआ होता। लेकिन सुकुमार सेन ने यह जिम्मेदारी बहुत ही ईमानदारी से निभाया और इसी का परिणाम रहा कि सरकार ने जितने फंड इनके लिए अलॉट करे थे इलेक्शन कमीशन को कि आपको इतना फंड खर्च करना है, इन्होंने इतनी ईमानदारी से कार्य किया था चुनाव आयोग ने कि उसमें से भी करीब 4.5 करोड़ रुपए इन्होंने बचा करके सरकार के खजाने में वापस जमा करा दिया। तो ये जो पहले चुनाव के लोग थे इनकी ईमानदारी अपने आप में बहुत ही बड़ी थी। ये देश के लिए इनका जो त्याग होता था यह बहुत बड़ा होता था। तो अगर हम यहां पर अगर पार्टियों का परसेंटेज देखें कि इन्होंने कितना सीट जीता तो टोटल 499 सीट थी जिसमें कि 489 सीटों पर इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा मैं बोल देता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें जीती, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई कम्युनिस्ट पार्टी जिन्होंने की 16 सीटें जीती। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उस समय जो थी वह थी सोशलिस्ट पार्टी जो कि 12 सीटें जीतने में सफल हुई। और चौथी सबसे बड़ी जो पार्टी थी वह थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, यह 9 सीटें जीतने में सफल हुई। आचार्य कृपलानी की जो पार्टी थी वह 9 सीटें जीतने में सफल हुई। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लगभग 44.99 मतलब 45% वोट कांग्रेस पार्टी के फेवर में पड़े, 45% वोट उसे मिले, 10% वोट सोशलिस्ट पार्टी को पड़े, 5% किसान मजदूर पार्टी को पड़े और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सिर्फ 4% वोट पड़े। लेकिन उसके बावजूद उनके सीटों की संख्या 16 रही क्योंकि उनके सीट, उनको जो वोट पड़े वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में विजयी होने के लिए पर्याप्त पड़े। प्रतिशत के स्तर पर अगर देखें मतदाताओं ने कितना मतदान किया तो इस स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी को भारत में चौथा स्थान प्राप्त था, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कितने प्राप्त हुए इस स्तर पर देखा जाए तो उन्हें भारत में उस समय दूसरा स्थान प्राप्त था। सबसे अधिक वोट पड़े कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद सबसे अधिक वोट पड़े सोशलिस्ट पार्टी को जिसमें कि जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या राम मनोहर लोहिया की जो पार्टी थी उनको ही सबसे अधिक लगभग 11% मतदान हुआ था उनके फेवर में। हालांकि उनके सीटों की संख्या कम रही, 12 सीटें ही उनको मिल पाई और कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिल पाई। फिर भी यह इलेक्शन जो था यह भारत के इतिहास में अपने आप में अभूतपूर्व था और यहीं से भारत की लोकतांत्रिक यात्रा भी शुरुआत होती है और जो आज तक लगातार अनवरत जारी है। ऐसे ही इतिहास की जो रोचक घटनाएं हैं इसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमसे लगातार संपर्क में रहिए। हम ऐसे ही इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनसे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।